ये हम पहुंच गए हैं गंगोत्री, और ये है गंगोत्री घाट जहां आपको बर्फ भी दिख रही होगी काफी। यहाँ एक हफ्ते पहले बर्फबारी हुई थी, अभी भी बर्फ बहुत काफी है। ये देखो, ये दिखाता हूँ मैं आपको बर्फ। ये यहाँ पे छोटा सा ब्रिज है दूसरी साइड जाने के लिए, और देखिए पहाड़, ये देखिए घाटी है, आगे बर्फ के पहाड़ आ जाते हैं। यहाँ आगे आप गौमुख है, गौमुख का ट्रैक करा जाता है आगे, और हम अभी हैं गंगोत्री धाम। गंगोत्री पहुंच चुके हैं, और ये पवित्र स्थान गंगोत्री का। ये हल्की हल्की बर्फ जमी है जो हमारे पैरों पर भी महसूस की जा रही है। ये देखिए, ये सारा बंद है क्योंकि कपाट बंद हो चुके हैं, तो यहाँ कोई नहीं रहता इस टाइम, सब बंद हो जाता है। यहाँ मंदिर भी बंद रहता है, मेन मंदिर। बस आप यहाँ घूम सकते हो और बर्फबारी देख सकते हो, जो अभी तो है नहीं, लेकिन लोगों का कहना है कि आज बर्फ गिर सकती है। तो हम गंगोत्री धाम आए हैं, तो अभी तो हम नीचे नदी में हैं। ये फिर से भागीरथी नदी, ये भागीरथी नदी है जो आगे गौमुख से आ रही है। तो इधर गौमुख है, आगे गौमुख है, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ये है दोस्तों गंगोत्री, और ये बर्फ जो हम देख रहे हैं अभी बहुत टाइट है, इसमें बर्फ गिरी हुई है, और बहुत बढ़िया नज़ारे यहाँ के। देखिए आप गंगोत्री धाम, बहुत अच्छी जगह लगी मुझे, और वाकई में बहुत अच्छी जगह है ये। ये देखो गणेश जी की मूर्ति है, यहाँ पे भोलेनाथ, ये है भोलेनाथ, ये हमारे ऋषि, बहुत अच्छा बनाया है। फिर से भोलेनाथ ऐसी मूर्तियाँ बनी है। ये देखें बर्फ के नज़ारे, यहाँ बर्फ गिरी है, होपफुली आज भी बर्फ गिरे। ये है पहाड़, ये चट्टान है गंगोत्री धाम के ऊपर, बहुत बड़ी चट्टान, इन्हें पहाड़ी बोला जाता है, ये पथरीले पहाड़ जहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है, इसलिए यहाँ पहाड़ ऐसे हो जाते हैं। और ये देवदार के पेड़, यहाँ देवदार के वृक्ष ही होते हैं जो ठंडे जगह में पाए जाते हैं। एंड ये देखिए बर्फ, देखता हूँ ये बर्फ, हाँ ये देखे दोस्तों बर्फ, बर्फ हम महसूस कर रहे हैं, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी बर्फ है। ये भी है बर्फ, और नदी में तो जमी है, नदी में तो बहुत बर्फ जमी है। ये देखिए भागीरथी नदी में बर्फ के नज़ारे। ये मेरा दोस्त है जिसे मैं अपने साथ लाया, उसमें मैं बर्फ मारूंगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है, दोस्त पे बर्फ मार रहा हूँ। ये देखिए देखते हैं तब भोलेनाथ, हमारे बाबा भोलेनाथ, ये यहाँ पे नहाने स्नान करने के लिए बनाए गए हैं, ये भी पवित्र नदी मानी जाती है, तो यहाँ पे आप स्नान कर सकते हो। पर अभी तो बहुत ठंडा पानी है जो हम स्नान कर नहीं सकते, और काफ़ी आगे तक यहाँ, और काफ़ी बड़ी जगह है, ये नहीं कि जगह बड़ी नहीं है, जगह बहुत बड़ी है, जगह बहुत बड़ी है, और बहुत फैली हुई जगह है, बहुत अच्छी जगह है। ये देखिए आगे, मैं अभी गौमुख की तरफ से वीडियो बना रहा हूँ,
और ऊपर पहाड़ भी दिख रहे होंगे आपको, बर्फीले पहाड़ सब आपको दिखाई देंगे। और ये देखिए, ये बहुत मोटी मोटी बर्फ जो आपको दिखने को मिल रही होगी। और ये देखिए बहुत मोटी मोटी बर्फ। एक्चुअली हम हर्सिल तक ही आना चाह रहे थे, फिर मैंने सोचा क्यों ना हम गंगोत्री होते हुए आए, जब आए हैं बहुत दूर घर से तो गंगोत्री धाम के दर्शन ही कर लेते हैं। तो हर्सिल से ये 20-21 किलोमीटर आगे है, फिर हम 20 किलोमीटर और आगे आए और हम अभी हैं आपके गंगोत्री धाम। ये हैं देखो कुछ लोग बर्फबारी का मजा लेते हुए, और बहुत बर्फ जमी है और मैं भी अभी आगे बढ़ रहा हूँ जहाँ हम भी थोड़ा एंजॉय करेंगे बर्फ। और मेरे दोस्त जो हैं वो पीछे रह गए, मैं वीडियो बनाने के लिए आगे आ गया। और ये देखिए, ये है बर्फ ही बर्फ, थोड़ा बहुत हमें बर्फ भी दिखी तो हमें फोटो शॉट वगैरह करेंगे। ये दोस्तों हम जा रहे हैं बर्फ की तरफ, जो हम थोड़ा और नजदीक से आपको दिखाएंगे। ये देखिए बर्फ है, बहुत संभल के चलना होगा क्योंकि फिसलन भी बहुत ज्यादा है यहाँ। देखिए दोस्तों मैं जा रहा हूँ बर्फ की तरफ। ये है देखो बर्फ, बहुत मोटी बर्फ गिरी है, इसका मतलब बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ था। तो अभी मैं हूँ बर्फ के ऊपर और ये देखिए ये पानी है भागीरथी नदी, यहाँ पे लोग बर्फबारी का मजा ले सकते हो। और यहाँ पे मेरे पैर भी थोड़ा धंसे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये बर्फ है और हमें अभी गंगोत्री धाम में। और ये देखिए यहाँ से भागीरथी नदी आगे से आ रही है। ले वीडियो बनाइए, मेरी बनाइयो। वीडियो बनानी ना बन। गिरना है। हेलो फ्रेंड्स, गंगोत्री धाम यहाँ पे है, भोलेनाथ का मंदिर। देखिए सबसे ऊपर गंगा मैया, फिर भोलेनाथ, फिर ऋषि पार्वती माता, गणेश और भोलेनाथ की सवारी नंदी। ये है यहाँ पे भोलेनाथ की मंदिर, ये है गंगोत्री धाम। और मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ गंगोत्री धाम का मेन मंदिर। ये है दोस्तों गंगोत्री धाम का मेन मंदिर, जहाँ गर्भगृह है जो अभी बंद है, पूरा धाम अभी बंद है। देखिए अभी यहाँ कोई नहीं है, बस कुछ ही लोग आए हैं घूमने के लिए।
देखिए दोस्तों, और मैं ये वीडियो अपनी वाइफ के लिए बना रहा हूँ जिसकी मुझे बहुत याद आई थी है, जिसे मैं ला नहीं पाया, तो एटलीस्ट मैं उसे खुश करना चाहता हूँ, उसे भी वीडियो देखे वो भी मुझसे खुश हो जाए। अगली बार सोचूंगा तो उसी के साथ आऊँगा, क्योंकि तो बहुत अच्छी जगह है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर से मैं एक बार आपको दोबारा भोलेनाथ जी के दर्शन, माँ पार्वती, गणेश जी, ऋषि जी, नंदी महाराज, और ये है माँ गंगोत्री का मंदिर जो गर्भगृह है, मेन मंदिर। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। बाय दोस्तों।